स्टूडेंट्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आज हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, इफेक्ट ऑफ एडमिशंस ऑफ बाय अ पार्टनर। पार्टनर का जो एडमिशन है, पार्टनर का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका क्या इफेक्ट है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस तरीके से पार्टनर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है फर्म के अंदर, किसी भी अफेयर्स को लेकर फर्म के अंदर जो भी जो चीज़ें होती है उन बातों को लेकर यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये एक इफेक्ट बता रखा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। कोई भी पार्टनर एडमिट होता है, कोई भी पार्टनर रिप्रेजेंट करता है अपनी फर्म को, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एक फर्म का एविडेंस के रूप में काम करेगा वो, और फर्म के अगेंस्ट जो जो चीज़ें होगी उसको डील करेगा, फर्म के बिजनेस एक्टिविटी को यहाँ पे कंसर्न करेगा। कोई भी पार्टनर किसी भी एक्टिविटी को डील करता है, किसी बिजनेस के साथ डील करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि वो फर्म के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पर्सन है यहाँ पे एक्स और एक पर्सन है वाई, दो पर्सन यहाँ पे पार्टनर है, एक्स भी है और वाई भी है। अब एक्स और वाई दोनों पर्सन यहाँ पे फर्म के पार्टनर है, एक्स डील कर रहा है जेड से, तो यानी कि वाई भी रिप्रेजेंट कर रहा है जेड को। एक्स अगर जेड के साथ कुछ भी बिजनेस डील करता है फर्म के लिए, तो वाई भी उसके लिए जिम्मेदार होगा। वाई का भी एडमिशन जो हुआ है, वाई भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा अपने बिजनेस डील को, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पार्टनर है। तो एक्स डील करेगा जेड से तो भी वाई रिस्पॉन्सिबल है, वाई डील करेगा जेड से तो एक्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है, यहाँ पे एक एडमिशन रिप्रेजेंटेशन जो पार्टनर का होता है, वो एक तरीके से फर्म के लिए कोई भी पार्टनर काम करे वो सारे फर्म को ही रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। इसका एक एग्जांपल भी हमने लिया, जैसे एक्स और वाई ने यहाँ पे एक्स और वाई ने फर्म के अंदर स्पेयर पार्ट डील करता है मोटरसाइकिल की। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म डीलिंग इन ए स्पेयर पार्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मोटरसाइकिल बाइक्स। जेड परचेज अ स्पेयर पार्ट ऑफ यामा मोटरसाइकिल बींग टोल्ड बाय एक्स। अब एक्स ने क्या करा, परचेज करा यामा मोटरसाइकिल का, सो सूटेबल फॉर इज मोटरसाइकिल। लेकिन वाई इग्नोरेंट अबाउट दिस ट्रांजेक्शन, इंपॉर्टेंट लाइन है क्या है कि वाई इग्नोरेंट इस ट्रांजेक्शन को लेकर, वाई को इस बात में पता नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन। द स्पेयर पार्ट प्रूव्स बी अनसुटेबल फॉर द मोटरसाइकिल, इट बी डैमेज, एक्स एंड वाई बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे क्या है कि जो स्पेयर पार्ट था वो डैमेज हो चुका है, यानी कि एक्स ने बेचा था स्पेयर पार्ट जेड को और वाई को इस बारे में नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे जो जेड को बेचा गया स्पेयर पार्ट था वो ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्स और वाई दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के लिए। क्यों, क्योंकि वाई भी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स भी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों में से कोई भी काम करे या दोनों काम करे, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कहने का मतलब है कि बिजनेस की जितनी भी डील्स होती है उसके अंदर पार्टनर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, क्योंकि वो पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे उनको इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सो इस वीडियो में हमने बात करी रिलेशन ऑफ पार्टनर्स में इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, कि पार्टनरशिप का एडमिशन के बाद क्या इफेक्ट रहता है और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।